परखने का अपना अधिकार कभी छोड़ मत देना मैं एक चैतन्य कॉन्शियस इंसान हूं मैं चुनूंगा सही जियो ओरिजिनल मौलिक ऑथेंटिक जियो दर्द अगर झेलना भी है तो वो दर्द चुनेंगे जो हमें आजादी की ओर ले जाता हो युवाओं के पास पूरी जिंदगी है जीने के लिए पूरी ऊर्जा है और वो चाहते भी हैं कि जिंदगी का ऊंचे से ऊंचा इस्तेमाल करें हुँ? लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा होता है आदर्श नहीं दिख रहे होते हैं और दूसरी ओर पहले से तयशुदा पटकथा उनके पास होती है कि इस तरह की पढ़ाई करनी है उसके बाद इस तरह का करियर उसके बाद इस तरह से शादी ब्याह बच्चे और समाज में इस तरह अपना स्थान और ऐसे करते करते अपनी ज़िंदगी बिता दो ये चीज़ें इस तरह के दबाव उनके पास पहले से खूब मौजूद होते हैं लेकिन जो करने को उनका दिल चाह रहा होता है जो करने के लिए उनके भीतर की चेतना आतुर होती है फड़फड़ा रही होती है उसकी न दिशा मिल रही होती है न प्रेरणा तो जब कहीं से उनको थोड़ा बहुत भी पता चलता है हुँ? कि एक अलग तरीका भी है जिससे जिया जा सकता है एक अलग उदाहरण भी है जिसका जिसका अनुसरण करा जा सकता है तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं <laughs> यकीनन वही युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं और मैं देख पा रही हूँ सभी के मोबाइल कैमरे ऑन हैं जो आपकी एक एक बातों को रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं मुझे नहीं लगता मैंने आपके सैकड़ों वीडियो देखे हैं आचार्य जी और अलग अलग विषयों पर आपको महारत हासिल है तो इन युवाओं के लिए सबसे पहले आप क्या बोलेंगे वो युवा जो सोच है जो 18 साल से लेकर 30 साल 35 साल तक के लोगों से जुड़ी हुई है उनके लिए क्या खास मैसेज है आज इस मंच से आपका बिल्कुल ऐसा मत मानो कि कोई भी चीज तय कर दी गई है इसलिए सही है यह मानने को भी मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ पहले से तय है चल रहा है परंपरा है मान्यता है वो गलत ही है उसको खारिज ही करना है मैं ऐसा भी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं वो सब कुछ जो दुनिया कर रही है और आपको करने के लिए कह रही है उसको अपने सामने रख लो और परखो और परखने का अपना अधिकार कभी छोड़ मत देना अपनी आवाज़ को कभी दबने मत देना अगर हमारे पास कोई बड़े से बड़ा और एकदम मूलभूत अधिकार होता है इंसान होने के नाते तो वो अधिकार होता है चुनाव का मैं एक चैतन्य कॉन्शियस इंसान हूं मैं चुनूंगा तो जो दूसरे दे रहे हैं आपको वो भी रख लीजिए ये परख लेंगे और अपनी बुद्धि से अपने बोध से ठीक लगा तो चुन लेंगे और अगर नहीं ठीक लगा तो हम जवान हैं हमारे पास ऊर्जा है उत्साह है अपना नया रास्ता बनाएंगे नए रास्ते बनाने से कभी घबराना मत इतिहास ने भी उनको नहीं याद रखा है जो पिटी पिटाई लीकों पर चले थे और भेड़ों की तरह भीड़ों के पीछे चले थे क्या बात है हुँ? आपको आपको जिंदगी ने सिर्फ अधिकार ही नहीं उत्तरदायित्व तो देकर के भेजा है कि सही जियो ओरिजिनल मौलिक ऑथेंटिक जियो और इस अधिकार से अपने आप को कभी वंचित मत करना इस अधिकार को छोड़ना माने जिंदगी को छोड़ना मौत को चुनना जो भी कीमत चुकानी पड़े कोई भी कीमत बहुत बड़ी नहीं होती और अगर एक सहमी हुई और सुरक्षित जिंदगी जियोगे तो एक बहुत बड़ी कीमत तो वहाँ भी आप दे ही रहे हो ना ऐसा थोड़ी है कि जिन्होंने सुरक्षित पिंजड़ों का चुनाव कर लिया है वो कोई कीमत नहीं अदा कर रहे वो भी बड़ी भारी कीमत अदा कर ही रहे हैं तो पैदा होने का मतलब ही जब ये है कि चुनाव करना पड़ेगा चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी दर्द भी आमंत्रित करने पड़ेंगे तो साहब हम सही दर्द चुनेंगे हम बड़ी चुनौती चुनेंगे दर्द अगर झेलना भी है तो वो दर्द चुनेंगे जो हमें आजादी की ओर ले जाता हो बस इतनी सी बात